जी गौरमे के रेस्टोरेंट पे जी, तो वहाँ पे हमने किया सूप ऑर्डर और क्लब सैंडविच। फिर काफ़ी देर तक हम इंतज़ार करते रहे, ऑर्डर के लिए कोई नहीं आया। फिर उसको बुलाया कि ऑर्डर लिख लो, ऑर्डर लिख के ले गया। फिर हम बैठे बातें करते रहे, मेन्यू देखते रहे। अच्छा तो अब बताती हूँ मैं आपको, हम गए $2 शॉप पे, वहाँ पे चीज़ें देखी, एक दो चीज़ें मैंने ली, मुझे पसंद आ गई। जब मैं उसको पैसे देने लगी तो मैंने कहा पहले मैं अपने पैसे चेक कर लूँ पूरे हैं, क्योंकि मेरा पीछे 500 रुपीज़ बैग से गिर गया था। अच्छा अभी मैं घर से पूरे देख के गई हूँ, तो अब वहाँ गई हूँ। फिर 500 रुपया काम था, क्योंकि रास्ते में आते हुए मुझे एक बाबा जी मिले थे, मैंने उनको अपनी तरफ से 50 रुपये दिए थे, लेकिन मेरी भाभी ने बताया कि नहीं वो 50 रुपये नहीं थे, 500 रुपये थे, मैंने उसको 500 रुपये दिए। मैंने कहा हैं, मैंने कहा मैंने तो अपनी तरफ से उसको 50 रुपये दिए थे, क्योंकि वहाँ ज़रा थोड़ा सा अंधेरा था, मुझे समझ नहीं आई थी। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी तो मैं उनको देती रहती हूँ ना, तो अब दे दिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे ख्याल करना पड़ेगा, मैं बहुत भुलक्कर हो गई हूँ इस मामले में ना, कि मैं पैसे रखती हूँ लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता कि वो पैसे कहाँ गए। वो एक वो 500 रुपीज़ जो मेरे बैग में था ना, वो तो मुझे समझ ही नहीं आई कहाँ पे गिर गया। तो जनाब ये देखें जी, सूप आ गया है, चिकन कॉर्न सूप ऑर्डर किया था, तो मैंने तो डाले हैं मिर्च मसाले। ये देखिए जी, ये है मेरा प्याला और मैंने इसमें डाला है सोया सॉस और चिली, और उसके बाद फिर चिली सॉस, सिरके के साथ चिली डाली और खूब टेस्ट करके पिया। बहुत गाढ़ा था, ठीक था, और स्पाइस डालने के बाद तो और ज़्यादा मज़े का हो गया। घर में जो हम सूप बनाते हैं उसको हम इतना गाढ़ा नहीं रखते, क्योंकि कॉर्न फ्लोर जो है वो इतना अच्छा नहीं है सेहत के लिए, तो इसका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो घर का सूप तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये सूप बहुत गाढ़ा था। और चम्मच देखें ज़रा कितना बड़ा है, पूरा मुंह खोलना पड़ता है अंदर डालने के लिए। अच्छा जी तो सूप पिया, बातें की इधर उधर की और गप्पे शप्पे लगाई, फिर जो सामान ख़रीदा था उसके बारे में डिस्कस किया। मैंने भाई के लिए एक परफ्यूम लिया क्योंकि उसकी कल बर्थडे है, लेकिन मनाता तो नहीं है, लेकिन हम लोग आपस में एक दूसरे को गिफ्ट दे देते हैं बहन भाई। और फिर क्लब सैंडविच भी मंगवाए थे, और ये देखिए जी क्लब सैंडविच आ गए हैं, और ये देखें चिप्स और सैंडविच तो मज़े के थे, लेकिन ये जो इन्होंने साथ में ये जो बनाया हुआ है ना माइनीस वाली कैबिज बंद गोभी का जो है सैलड, ये बस सोसो ही था, जिस तरह ग्रेवी होती है ना बंद गोभी के अंदर, वो माइनीस ठीक होती है उस तरह से तो नहीं था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सब अच्छा था। और जी ये मेरी प्लेट है, और देखिए जी मैं खा रही हूँ क्लब सैंडविच। तो जी जनाब अब मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और शेयर लाइक कमेंट भी किया कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन। अल्लाह हाफिज़।